अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल स्पोर्ट अपडेट। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट है, मगर शुरू करने से पहले मैं आप लोग से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अब्दुल स्पोर्ट अपडेट को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी बजाए ताकि आप लोगों को मजीद लेटेस्ट क्रिकेट एंड रेसिंग अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। मुतहदा अरब इमारात UAE में T10 क्रिकेट लीग के अफ्तताही एडिशन 2017 की कामयाबी के बाद मजीद दो नई टीमों की शमूलियत के साथ T10 क्रिकेट 2018 का इनेकाद रवा साल नवंबर में होगा। T10 क्रिकेट के दूसरे एडिशन की मैचेस रवा साल नवंबर 2018 में खेले जाएंगे, जिसमें शिरकत के लिए 8 टीमें मुकर्रर 10 ओवर के मैचेस के लिए मुकम्मल कर ली गई है। दो नई टीमों की शमूलियत से टीमों की तादाद 8 हो गई है। जुमेरात में होने वाली तकरीब में टीमों के नामों का ऐलान किया गया जिसमें केरला किंग, मराठा अरेबियंस, पख्तून टीम, पंजाबी लेजेंड, बंगाल टाइगर, नॉर्दर्न वॉरियर्स, राजस्थान हीरोज और कराची शामिल है। तकरीब में केरला किंग के नए ओनर अली अस्फाक का भी ऐलान किया गया है। नॉर्दर्न वॉरियर के शहबाज इलियास मोहम्मद मोरानी और लतीफ मोरानी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम लीग को मजीद मशहूर होता देख रहे हैं। गुज़िश्ता साल लीग ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस साल दो नई टीमें शामिल हुई और नॉर्दर्न वॉरियर बहुत खुश है कि वो इस साल इस लीग में नई टीम की हैसियत से शामिल है। मोरेली स्पोर्ट की बानी मोहम्मद मोरानी ने कहा कि हम इस साल बड़ी लीग देख रहे हैं और इस लीग में बहुत कुछ होने वाला है। कराची को मोहम्मद इमरान अमीन, मोहम्मद अली अहमद और मोहसिन इमरान ओन कर रहे हैं। मोहम्मद उमर अमीन ने कहा कि रोशनी के शहर में T10 क्रिकेट लीग की तैयारियां जारी है और बड़े मुकाबले की तवक्को है। राजस्थानी हीरोज के वयास और शहजाद ने कहा कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट हर शहरी के खून में शामिल है और हम राजस्थानी हीरोज अमन और क्रिकेट के जरिए मोहब्बत के लिए खेलेंगे। टीम श्रीलंका को गुज़िश्ता साल ओन करने वाले विजय व्यास और काशिप शहजाद ने अपनी टीम को राजस्थानी हीरोज के नाम से तब्दील करके तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन T20 लीग शमीउल मलिक ने कहा कि मैं खिलाड़ियों के जोश से बहुत मुतासर हुआ और मैं चाहता हूं कि 2016 के वर्ल्ड कप के क्राउड की तरह T20 क्रिकेट में भी जोश और जज्बा देखने में आए। हमारा विजन है कि T20 क्रिकेट दुनिया डोमेस्टिक और बैन अल्कोमी क्रिकेट का हिस्सा हो। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेट बोर्ड ने T20 क्रिकेट को इनके अपने मुल्क में शामिल करने के लिए गिफ्ट व शनीज जारी कर दिए है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अजमान क्रिकेट बोर्ड ने दो T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जिसके हौसला अफजा नताज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि T10 क्रिकेट लीग में दो मजीद शामिल होने वाली टीमों के ओनर्स ने लीग में सरमायाकारी करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल T10 क्रिकेट के मैचेस 4 रोजा टूर्नामेंट पर मुश्तमिल थे, लेकिन इस साल इसमें इजाफा करके इसे 10 रोजा टूर्नामेंट कर दिया गया है। T10 क्रिकेट लीग के सदर सलमान इकबाल ने कहा कि 10 ओवर के फॉर्मेट पर मुश्तमिल क्रिकेट में बड़े सगीर के खिलाड़ी स्ट्रेट पर खेल कर क्रिकेट स्टार बने हैं। उन्होंने कहा कि T10 क्रिकेट में तेज जिंदगी की तरह हरकत खेली जाती है। बास्केटबॉल और फुटबॉल नौजवानों में बहुत मशहूर है जो कि 90 मिनट के गेम्स है। इसी तरह T10 क्रिकेट में भी 90 मिनट की क्रिकेट खेली जाती है। वाजा रहा है कि 10 ओवर के फॉर्मेट पर मुश्तमिल T10 क्रिकेट लीग पहली बार बैन अल-अक़वामी मंजूर शुदा लीग है। जैसे मुल्क होल्डिंग के बानी चेयरमैन शमीम शजीउल मलिक और ARY डिजिटल नेटवर्क के बानी सलमान इकबाल ने शुरू किया था। तो दोस्तों ये थे T10 क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो दोस्तों ये थी क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मजीद स्पोर्ट अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। इन अल्लाह हाफिज़।